लूसीफर यानी एक शैतान, जिसका नाम सुनते ही जहन में एक भयानक राक्षस का तस्वीर उभरता है। लेकिन लूसीफर पहले से ही ऐसा नहीं था। लूसीफर पहले एक एंजेल हुआ करता था, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ जो इस एंजेल ने एक राक्षस यानी एक शैतानी ताकत में बदल गया? इसे जानने के लिए हमारे इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें। ईश्वर ने सृष्टि के सृजन करने से पहले स्वर्ग का निर्माण किया और वहां रहने के लिए उन्होंने एंजल्स को क्रिएट किया। इनमें से मुख्य एंजल्स का नाम था लूसीफर, जिन्हें ईश्वर के प्रचारकों से सबसे ऊंची पदवी प्राप्त थी। बाकी एंजल्स में सबसे ज्यादा सुंदर और सबसे ज्यादा शक्तिशाली और बुद्धिमान था लूसीफर। वो ईश्वर की उस वक्त की बनाई गई सबसे श्रेष्ठ रचना थी। पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी नहीं था जो लूसीफर की बराबरी कर सकता है। वो ईश्वर का एक परफेक्शन था और इस बात का लूसीफर के अंदर धीरे धीरे घमंड पनपने लगा और लूसीफर को यह तक लगने लगा कि उसे ईश्वर के स्थान पर होना चाहिए और उसके अंदर ईश्वर के पदवी को हासिल करने के लिए इच्छा जागने लगी। इसी घमंड, ईर्ष्या और लालच के साथ सबसे पहले पाप ने जन्म लिया। अपने इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए लूसीफर ने लोगों को ईश्वर के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। लेकिन तब भी कुछ एंजल्स ईश्वर के प्रति ईमानदार बने रहे और उसके बाद स्वर्ग को कब्जे में लेने के लिए लूसीफर ने ईश्वर के साथ घमासान युद्ध शुरू कर दिया, जिसमें लूसीफर अपनी सारी कोशिश के बावजूद हार गया और ईश्वर ने साबित कर दिया कि वही सबसे श्रेष्ठ है। और फिर उसको और उसके साथियों को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया गया और वो ईश्वर की सबसे अच्छी और सबसे प्रिय रचना नहीं रही, क्योंकि इस युद्ध के बाद ईश्वर ने इंसानों की रचना की और सबसे पहले एडम और ईव को इस दुनिया में रहने के लिए भेजा और एडम और ईव ने इस दुनिया में जीवन की शुरुआत की। दोस्तों, एडम और ईव के ऊपर हम पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं, आप चाहे तो उसे आई बटन पर क्लिक करके अभी देख सकते हैं। और इसी साथ लूसीफर भी यहाँ निवास करने के लिए धरती पर आ गिरा। तभी से लूसीफर को द फलन एंजल के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि लूसीफर एक बुरी आत्मा बन चुका था और अब धरती पर भी आ चुका था। इसी के कारण सारे पापों की शुरुआत हुई। लूसीफर ने अपने अनुजियों को बेशुमार दौलत और शोहरत देने का वादा भी किया और तभी से लोग उसके पूजा करने लगा था और इस दुनिया में बुराई का फैलाव बढ़ता चला गया। आज भी कई लोग लूसीफर को पूजा करते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।